कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग सही होंगे। तो इस मेरा नाम विक्रम राठौर, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाटा की कर्व। ये आपका डीजल वेरिएंट है, आपने लोगों ने देखी होगी भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा होगा। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाटा कर्व की डीजल वेरिएंट, और डीजल वेरिएंट आपका ये रेड कलर भाई कितना जम रहा है ना इस गाड़ी का, देख रहा हूँ अलग ही एक प्रीमियमनेस दे रहा है इस गाड़ी का। और आगे के देखोगे ना, लुक के बारे में देखो ना, तो लुक आपको उस तरह का मिल जाता है जो नेक्सॉन और आपको कर्व में आपको ईवी की तरह मिल जाता है। अगर पीछे की साइड आओगे तो पीछे की साइड आपको कूपे डिजाइन मिल जाता है, देखो साइड में ये आपको कूपे डिजाइन मिल जाता है। एक नंबर गाड़ी का लुक लगता है इस गाड़ी का। कहते हैं भाई एसयूवी गाड़ी है भाई, इसमें आपको और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा मिल जाता है, कहीं भी दौड़ाइए गाड़ी को, इस गाड़ी को भाई एक नंबर गाड़ी लगती है मुझे यार इस तरह की। एक कूपे डिजाइन आपको मिल जाता है इस तरह का। अगर भाई इसका बूट ऑफ करके देखें ना, ये देखो अपने आप ये ऑन हो जाएगा बटन दबाते ही। तो ये देखो 500 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है सर, 500 लीटर का आपको। और नीचे साइड आपको मिल जाता है ये देखो स्पेयर व्हील टायर 16 इंचीज का आपको। और यहाँ पर आपको ये खोलोगे ना तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है लाइट के साथ, और यहीं से आप ये बंद कर सकते हो। ये देखो इस तरह का आपको ये बंद करने के लिए मिल जाता है। अगर भाई इसके इंजन की बात करें तो इंजन आपको मिल जाता है इसमें 15 cc का आपको इसमें मिल जाता है इंजन। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड 190 आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। देन अगर बात करें तो इसकी पावर की, तो 116 से 123 आपको BHP आपको निकाल देती है, बहुत बढ़िया। टॉर्क इसका 260 Nm टॉर्क भी अच्छा खासा मिल जाता है, बहुत बढ़िया। एंड भाई फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको ये गाड़ी आती है। अगर बात करें तो इसके लेंथ के बारे में, तो भाई लेंथ भी इसके अच्छा खासा मिल जाती है, 4308 mm की इसकी लेंथ है, और वीर्थ है इसकी 1810 mm, हाइट है इसकी 1630 mm। ग्राउंड क्लियरेंस तो यार एक नंबर लग रहा है इसका, 190 का ये ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है एक नंबर। वहीं अगर बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में, तो फ्रंट लुक देख सकते हो इसका कुछ इस तरह का मिल जाता है। ये देखो ये फ्रंट लुक इसका एक नंबर फ्रंट लुक लगता है भाई। अगर बात करें सामने की प्रोफाइल के बारे में, देन आप देख सकते हो यहाँ पर टाटा लोगो के साथ आप देख सकते हो। आपने ई वेरिएंट देखा होगा तो ई वेरिएंट में आपको व्हाइट कलर का आपको टाटा को लोगो मिल जाता है, लेकिन इसमें मिल जाता है आपको इस तरह का कुछ मिल जाता है व्हाइट में, व्हाइट तो नहीं कह सकते, फाइन टाइप का कह सकते हैं। और आपको ब्लैक पियानो की फिनिशिंग आपको यहाँ मिल जाती है पूरे में। इसके भाई ये देखे हो DRL देख सकते हो, अब इस तरह का आपको DRL मिल जाता है जो कि आपको नेक्सॉन में और आपको मिल जाता है उसमें टाटा कर्व में EV में भी। तो उसी तरह की आपको डिजाइन इसमें भी मिल जाती है डीजल वेरिएंट में भी। ये देख रहे हो इस तरह का आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और ये आपकी कनेक्टेड आपको DRL मिल जाता है। अगर भाई इंडिकेटर यूज़ नहीं करोगे तो आपको कनेक्टेड DRL मिलेगा। देन आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको डिजाइन मिल जाती है। ये देखो नंबर प्लेट यहाँ पर सेंसर कर सकते हो, 2 सेंसर आपकी हो गए और नॉर्मल आपकी ग्रीन ये हो जाती है। वहीं बात करें तो इसकी इसकी प्रोजेक्टल हेडलैम्प की, तो LED प्रोजेक्टल हेडलैम्प मिल जाते हैं, और नीचे आपको प्रोजेक्टल के साथ ही आपको 2 फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं। ये आपका एयर पास होने के लिए मिल जाता है, एयर पास यहाँ देख सकते हो, उसी के नीचे आपको एक कैमरा मिल जाता है, ये बहुत बढ़िया। देन अगर आप आते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर, साइड प्रोफाइल यार एक नंबर लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि क्यूबी डिज़ाइन मिल जाता है इसमें, कूपे डिज़ाइन मिल जाता है। कूपे डिज़ाइन का यार क्या ही कहूँ यार, कूपे डिज़ाइन के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है गाड़ी। वहीं आते हैं अगर साइड प्रोफाइल पर इसके टायर सेक्शन की बात कर ले, तो टायर सेक्शन देख सकते हो उस तरह का एलॉय मिल जाता है, उसमें आपको एलॉय अलग डिज़ाइन मिल जाती है, इसमें आपको अलग डिज़ाइन मिल जाती है। देन 5 नट के साथ आपको मिल जाता है, बीच में आपको टाटा का लोगो के साथ मिल जाता है, और 215/55 R18 है। तो टायर सेक्शन की बात करें, टायर सेक्शन आपको दोनों को सेम मिल जाता है, आगे आपको डिस्क मिल जाते हैं और पीछे आपको डिस्क मिल जाते हैं। देन अगर साइड में देखोगे तो कर्व की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर ये लगी हुई है, बहुत बढ़िया लगता है। देन अगर ओवरवेम पर बात करें, तो ओवरवेम पर आपको मिल जाता है इंडिकेटर, नीचे आपको 360 कैमरा मिल जाता है इसी के साथ, और ये देख रहे हो यहाँ मिल जाता है आपको ये पियानो तो नहीं है आपका, ये थोड़ा सिल्वर टाइप का आपको फिनिशिंग मिल जाती है, बहुत बढ़िया गाड़ी सबको सही मिल जाती है। नहीं आते हैं इसके पीछे के साइड, और पीछे के देखता हूँ, पीछे के ना एक नंबर यार गाड़ी लगती है पीछे टाइप में यार, क्या ही कहूँ यार, जैसे कहते हैं ना कूपे टाइप का यार एक नंबर लगता है, देख रहे हो। वहीं बात कर लेते हैं इसके टाटा के लोगों के साथ, टाटा का लोगो आपको इस तरह का मिल जाता है, नीचे आपको कैमरा मिल जाता है, कर्व की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, 2 सेंसर आपको मिल जाते हैं। देन आप बात कर लेते हैं इसकी, तो ये आपका इंडिकेटर हो गया, स्वाइप में आपको इंडिकेटर मिल जाता है कुछ इस तरह के डिज़ाइन में, ये आपका मिल जाती है टेल लाइट। अगर इंडिकेटर यूज नहीं करो, टेल लाइट आपकी जलती रहेगी, बहुत मस्त लगती है यार टेल लाइट। और जब ब्रेक लाइट जलाओगे ना, तो ब्रेक दबाओगे तो ये आपकी ये लाइट जलती है, बहुत बढ़िया। साफ फ्रेंस एंटीना मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले भाई डोर के हैंडल पर ही बात कर लेते हैं। डोर हैंडल देख रहे हो, XUV 700 में क्या होता था ना कि ये अगर मैं ऑन करता था तो ऐसे रह जाता था, ऐसे ही हो जाता था। अब मैं अंदर बैठ जाऊंगा तो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे इस तरह से रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको आप ऑन भी कर दोगे जब भी आपका ये बंद हो जाता है, सेंसर बटन के साथ आपको मिल जाता है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और अंदर चलता हूँ।
तो सबसे पहले भाई डोर पर बात कर लेते हैं, डोर पर आपको क्या मिल जाता है क्या नहीं। तो डोर पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये देख रहे हो ब्लैक पियानो की आपको फिनिशिंग मिल जाती है, सॉफ्ट टच आपको यहाँ मिल जाता है, बहुत बढ़िया। ये कलर देख रहे हो थोड़ा मैरून या जैसे कहते हैं भाई उसी की तरह थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आपको दे दिया गया है। चारों पावर कंट्रोल विंडो आपको मिल जाती है, लोकल लॉक का मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ आपको हैंडल मिल जाता है। अम्ब्रेला आपको होल्डर यहाँ मिल जाता है, ये आपका स्पीकर हो गया, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, वाटर होल्डर आपका ये हो चुका है। और आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसका। देन अगर सीट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ मेमोरी सीट का फंक्शन नहीं मिलता है, ये आप आगे पीछे यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये भी इलेक्ट्रिक के लिए आप कर सकते हैं। वेंटिलेटर आपको सीट मिल जाती है, देख रहे हो भाई। चलते हैं इसके अंदर भाई, मैं आ चुका हूँ इसके अंदर, और भाई इसको मैं करता हूँ सबसे पहले मैं ऑन। तो ये हो चुकी है भाई ऑन, तो इस तरह का देखते हो आप, भाई एक नंबर लगता है यार। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज चेक। देख रहे हो इस तरह का लगता है भाई, क्लस्टर है, एक नंबर लगता है। जैसे क्लस्टर आपको हैरियर और सफारी में मिल जाता था ना, वो इस तरह का आपको क्लस्टर इसमें मिल जाता है। वहीं आप देखोगे तो इसकी डिस्प्ले पर देखोगे तो डिस्प्ले भी आपको उसी मिल जाती है, वही आपको डिस्प्ले यहाँ पर भी मिल जाती है। देन अगर स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग आपको कुछ तरह का मिल जाएगा, जैसा आपको हैरियर और सफारी में मिल जाता था वही आपको स्टेयरिंग यहाँ पर ही मिलेगा। इसका टोटो बंद करता हूँ सबसे पहले मैं इसका, और लाइट को बंद करता हूँ। लॉक ये देख रहे हो, वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, फोन के कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, और डिजिटल डिस्प्ले के साथ आपको ये टाटा का लोगो भी मिल जाता है। यहाँ सर आपको क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आओगे तो लाइट के कंट्रोल्स आपको नहीं इस साइड मिल जाते हैं, और इस साइड आपको मिल जाते हैं वाईफाई के कंट्रोल्स। यहाँ देखोगे तो आपको सॉफ्ट टच ये नहीं मिलेगा, इस तरह की डिज़ाइन जो आ रही है ये आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी हार्ड टॉप प्लास्टिक मिल जाती है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत बढ़िया लगती है, ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये आपको पुश बटन स्टार्ट आपको मिल जाएगा, और ये एम्बिशन लाइट मिल जाती है कुछ इस तरह की, बहुत बढ़िया। भाई अगर सनवाइजर के पास बात करें तो सनवाइजर पर कोई मिरर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, इस साइड आपको एक मिरर मिल जाएगा। देन भाई ये आपका सनरूफ हो गया, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ही बंद कर सकते हैं IRVM। और ये आपका 6 स्पीड मैनुअल गियर सिस्टम, एक 12 वाट का सॉकेट, USB सॉकेट, एक टाइप सी का सॉकेट मिल जाता है। वहीं अगर यहाँ देखोगे कुछ आपको ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे आपको नेक्सॉन में मिल जाता था, और नेक्सॉन हुआ और आपका हैरियर सफारी, उसी तरह का आपको इसमें मिल जाता है। वहीं अगर यहाँ मोड्स की बात करें तो इको, सिटी, स्पोर्ट आपको मिल जाते हैं 3 मोड्स, और आपको पार्किंग होल्ड आपको ऑटोमेटिक होल्ड का बटन मिल जाता है। ये आपको वायरलेस चार्जिंग हो गया है, यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर पहले देते थे लेकिन आपको यहाँ मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट में भी अच्छा खासा थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, अच्छा है। और ये आपका खुलेगा ग्लव बॉक्स यहाँ से, तो ये देखो लाइट के साथ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, अच्छा खासा इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्पेस मिल जाता है इसमें। देन आप चलते हैं इसके पीछे की साइड, और पीछे की साइड देखते हैं भाई कितना स्पेस मिल जाता है। तो अगर पीछे भी देखोगे तो वही आप जैसा पीछे की साइड अगर आते हो तो पीछे जैसा मिल जाता था ना, आगे जैसा मिल जाता है, तो वही आपको सॉफ्ट टच आपको आगे पीछे ही मिल जाएगा। और आपको पियानो की फिनिशिंग, ब्लैक पियानो की फिनिशिंग यहाँ पे मिल जाती है JBL के स्पीकर के साथ। अब इसमें गाड़ी में बैठता हूँ तो स्पेस अगर देखूँ ना, जैसा मैं पीछे की साइड आगे की साइड एकदम कम्फर्टेबल बैठा था, तो ये देखो कम्फर्टेबल एक नंबर यार, कम्फर्टेबल ये भी लग रहा है, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। ये देखो अच्छे खासा मैं आराम से पैर को थोड़ा सा ढीला करके जा सकता हूँ। भाई अगर बात करें तो AC वेंट से आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, और एक आपको USB मिल जाता है, और एक आपको मिल जाता है टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है। अगर भाई इंटीरियर देखोगे तो इस तरह का आपको इंटीरियर मिल जाएगा, बहुत बढ़िया एक नंबर इंटीरियर लग रहा है। यहाँ आपको दोनों हेडरेस आपको एडजस्ट करने के लिए मिल जाते हैं, ये भी आपको दोनों हेडरेस एडजस्ट करने के लिए मिल जाते हैं। आपको हो गया आमरस, स्पेस तो अच्छा खासा मिल जाता है, और दोनों साइड देखोगे तो आपको लाइटिंग मिल जाती है। ये देखो इस तरह से आपको लाइट मिल जाती है, दोनों साइड आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, एक नंबर। ओके भाई तो ये थी गाइस हमारी टाटा कर्व, रेड कलर में गाड़ी थी भाई, एक नंबर गाड़ी लगी। तो भाई आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड भाई वीडियो को जरूर लाइक करना, और वीडियो को पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।